हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? सो हीरोज, टुडे वी आर हियर गोइंग टू वॉच रुसलान ऑफिशियल टीजर, एंड इन दिस वी हैव आयुष शर्मा, जगपति बाबू, सुश्री, करण बी, राधा मोहन, एंड इट्स गोइंग टू बी रिलीज ऑन 26th ऑफ द अप्रैल, एंड इट्स जस्ट ओनली द टीजर। द ट्रेलर इज गोइंग टू कम अगेन, एंड अभी डेढ़ महीना बाकी है टू फॉर दिस मूवी, एंड द मूवी नेम इज रुसलान। तो रुसलान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ओके, वी विल, मतलब बाद में वी विल व्हाट वी कैन से देखेंगे कि वो क्या है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्ट एंड एवरीथिंग। आयुष शर्मा पहली बार ही आई हैव बीन लिसनिंग दैट द नेम एंड ऑल, मे बी आई हैव नो हिज फेस बट नॉट द नेम, सो लेट्स सी। एंड ऑल्सो आई गेस इन द नेगेटिव रोल देर वुड बी जगपति बाबू, आई इफ आई एम लाइक नॉट रॉन्ग, क्योंकि इन द रिसेंट ऑफ द टाइम्स आवर जगपति बाबू हैज बीन एक्टेड एज नेगेटिव रोल ओनली इन ऑल व्हाट वी कैन से in these recent movies. So let us see, today we are here with a teaser of Ruslan. So let's see how this teaser is going to be. Chaliye dekhte hain. Wow, look at that. Vajood apna kyun dhoondhe tum? Jab hunar hi tera saathi hai. Oh. Dikha apni kabiliyat. अगर दुनिया तुझे आजमाती है मत डर अपने अतीत से। ओ अच्छा, ओके, आई रिमेम्बर इट। हारने को कुछ नहीं, जीतने को पूरी दुनिया है। ओहो रुसलान, I love that A at the last, the font is bana hai। Rorigin Cinemas on 26th, बहुत सही। I love the action scenes, especially the action scenes जो भी टीजर में दिखाए हैं, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा सही लगे। पहली बार तो एक्शन सीन्स जहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो जो गन उल्टा करके उसको ही मार दिया, तो दैट वन। एंड ऑल्सो इन हियर जो एक्शन सीन्स विद द गन्स एंड एवरीथिंग वहाँ पे थे, देयर वाज आल्सो व्हाट वी कैन से अमेजिंग। और एक चीज अगर आपने लोग नोटिस किया होगा, तो रुसलान का लास्ट जो ए था, वो गिटार और गन दोनों का ऐसे रख के इट हैज बीन मेड, और बहुत जबरदस्त दिख रहा था। मतलब एक वाइल्ड क्या बोल सकते हैं, थॉट्स में भी मैं वैसा नहीं सोच सकती, दैट इज लाइक वेरी इनोवेटिव, आई लव दैट। और आई गेस रुसलान ये जो मूवी है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से एक जो बंदा है हु इज बीन व्हाट वी कैन से कैप्चरिंग थिंग्स, और मतलब मेरे को तो मतलब वैसा ही लग रहा है फिलहाल तो, रुसलान एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो, ही इज इन द व्हाट वी कैन से हीरो ही है, बट ही इज बीन डूइंग गुड थिंग्स, और चोरी वैसे और एवरीथिंग इज बीन डूइंग, क्योंकि पुलिस यहाँ पे जगपति बाबू है। सो यहाँ पे ये जो भी है रुसलान, हु इज इन हियर, ही इज बीन डूइंग द चोरी और समथिंग लाइक दैट, हाइस्ट और समथिंग लाइक, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, सच्चे में बहुत इंटरेस्टिंग है द एक्शन सीन्स। और आई गेस इनको फर्स्ट टाइम ही, सॉरी ऋषि मेहरा ना, सुश्री मेहरा उसका नाम जो भी था, लाइक एक्ट्रेस हु वाज देयर इन दिस, फर्स्ट टाइम ही आई हैव बीन सीइंग हर ऑन एनी स्क्रीन, और बहुत ज़्यादा ही शी इज़ लाइक व्हाट वी कैन से नया, शी इज़ नया, बट उसको एक्शन सीन्स इन द फर्स्ट मूवी वो देखना बनता है कि हाउ शी विल बी डूइंग दैट एंड एवरीथिंग, क्योंकि एक्शन सीन्स एंड एवरीथिंग, बींग एज अ वुमेन एंड एवरीथिंग, ऑफकोर्स मतलब हम कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, बट फॉर द फर्स्ट मूवी इट सेल्फ वो ट्रेनिंग एवरीथिंग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ऑफकोर्स किया होगा उसने, तो वो एक देखना बनता है। तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि फर्स्टली अगर जो भी मूवीज में इफ अ वुमेन कम्स उसको ऐसे रोमांटिक साइड या एक दैट काइंड ऑफ एक रोल दिया जाता है, सो इन हियर इट्स वेरी डिफरेंट एंड दैट्स वेरी नाइस। ऑफकोर्स जमाना चेंज हो गया है, बट बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, एम्पावरिंग है वो,
देखना है ना, लाइक दैट अ वुमन इन फाइटिंग एंड वो एवरीथिंग. एंड टॉकिंग अबाउट द लीड रोल इन हियर आयुष शर्मा, उनके जो एक्शन सीन्स यहाँ पे हैं बहुत सारे, वो कार का एंड वो वहाँ पे शर्टलेस जब थे, वो आई गेस फायर गन यूज कर रहे थे वहाँ पे, एंड ईच एंड एवरी एक्शन सीन इन हियर वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है मेरे को, वो बहुत सही लगा. और जगपति बाबू इन हियर इज अ कॉप, लाइक पुलिस कॉप ऐसे दिख रहे थे एट द स्टार्टिंग में जिससे हमको दिखाई दिया, और बहुत ज़्यादा फाइटिंग एंड बुक्के मारे एंड मतलब वो जो भी कुछ होता है एक्शंस में, वी कैन सी दैट इन हियर. और अभी देखेंगे कि क्या है, आयुष शर्मा का फर्स्ट मूवी है क्या, आई डोंट नो, ये मेरे को ऐसा लगता है हैव बीन सीन हिज फेस बट नॉट रिमेम्बरिंग कि कौन से मूवी में, ऐसा मेरे को लग रहा है अभी फिलहाल तो, क्योंकि देखेंगे वॉट ऑल द थिंग्स आर देयर बट बार में एवरीथिंग द एक्शन सीन्स आई गेस मोस्टली दे हैव बीन द टीजर, दे हैव बीन नॉट रिवील्ड द स्टोरी एंड ऑल, जस्ट उन्होंने दे हैव बीन व्हाट वी कैन से गिवन दैट. और ऑल्सो आई वॉन्ट टू से व्होएवर हैज बीन वॉचिंग दिस ट्रेलर इन हियर, तो आई वॉन्ट टू से दैट आवर अनदर चैनल विच इज आरवीस रिएक्शन नाउ हैज बीन वॉट वी कैन से गॉट टर्मिनेटेड बाय द यूट्यूब, एज आई हैव बीन ऑलरेडी अनाउंस दैट ऑन इंस्टाग्राम की 7 days बिफोर दैट आवर आरएनएस चैनल हैज बीन टर्मिनेटिंग इन फ्यू डेज, तो येस बी ड्यू टू द कॉपीराइट स्ट्राइक, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय द एआईप्लेक्स कंपनी. Our channel has been got terminated RNA, so hopefully we will be starting in another channel where there are South Indian movies reaction and everything वो सब आएंगे वहाँ पे. So we are in the hope that again the viewers and everything of the RNS would come there, क्योंकि RNS was the first channel on the YouTube which I and my partner YouTube partner have been started together, and that is like no more now. बहुत सैड फील हो रहा है फॉर श्योर. व्हेन आई हैव बीन हर्ड अबाउट द न्यूज़ दैट कि योर बीन चैनल विल बी डिसेबल्ड इन 7 days, आई वुड लाइक क्रैश्ड, आई वाज लाइक शैटर्ड डाउन एवरीवे, इट वाज लाइक दैट. ऑफ कोर्स लाइक अभी आई हैव बीन लिटिल मूड ऑन, बट यस फॉर श्योर फॉर द ऑडियंस हु लव वॉचिंग माई रिएक्शंस ऑन साउथ इंडियन मूवीज ट्रेलर्स टीजर्स, दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर. सो जस्ट फॉर सम फ्यू डेज I will be doing the reactions again. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोज़ चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आई डी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.